क्योंकि कहिंदे कि सियाणप उम्र च नहीं हुंदी हैगी कि कोई बंदा उम्र का वड्डा है तो सियाणप है। माफ करना उम्र के वडेरे भी तुहानू आले दुआले कई जबलियां मारदे समाई दे सकदे ने। सही समय ते सही गल कहण दे विच ही सियाणप है। सत श्री अकाल दोस्तो, अज की एजुकेशनल वीडियो च आपां गल करांगे नॉलेज ते विजडम बारे। इन्हां चों पहलां कौन आउंदा है ते ज़्यादा इंपोर्टेंट किहड़ा है। कुछ दिन पहला मैं एक वीडियो बनाई सी फिलोसफी बारे, उहदे विच विजडम जिहड़ा वर्ड है इहदा मीनिंग दस्या गया सी कि सियाणप है जां समझ है। पूरी वीडियो तुसी आई बटन ते क्लिक करके वेख सकदे हो। दोस्तों विजडम दा होना जरूरी है, लेकिन यह नॉलेज नूं रिफाइन करके ही आपां नूं मिलेगा। नॉलेज दा मतलब है ज्ञान होना। किसी चीज़ बारे तुहानूं ज्ञान है, तुसी जाणदे हो, इहदा मतलब तुहानूं उहदे बारे नॉलेज है। ठीक है, कंप्यूटर बारे नॉलेज हो सकती है, गड्डी चलाउण बारे नॉलेज हो सकती है, किसी चीज़ नूं बनाउण बारे नॉलेज हो सकती है। नॉलेज दा सोर्स है जिहड़ा उह किताबां हो सकदियां ने, रिसर्च कर सकते हो तुसी, जां किसी नाल विचार वटांदरा करके नॉलेज इकट्ठी करी जा सकती है। लेकिन जिहड़ा विजडम है इह इक इंट्यूशन मेंटल प्रोसैस है, तुहानूं ऑब्जर्व करना पैंदा है, लाइफ दे तजर्बियां तों सीखना पैंदा है, और तुहानूं खुद ये चीज़ां एक्सपीरियंस करनियां पैंदियां ने कि सही ते गलत दे विच तुसी फर्क पता कर सको, सही समय ते डिसीजन लै सको ते जजमेंट अपनी दे सको। इस करके विजडम है जिहड़ा वह बहुत क्लीयर ते स्पष्ट होना भी जरूरी है। जिहड़े बंदे कोल नॉलेज है तां बहुत ज़्यादा चांसिस ने उसनूं हंकार हो सकता है, वह लड़ाई भी कर सकता है किसी नाल, हालांकि आपां कह सकते हैं कि वह बड़ा गुणी ज्ञानी है। लेकिन विजडम की कमी के करके वह किसी नाल लड़ाई विच पै जाएगा, निक्की निक्की गल ते टीका टिप्पणी करेगा। लेकिन जिहड़ा बंदा विजडम का धारनी है उसनू पता हुंदा कि बेशक कि मैनू उल्टा सिद्धा बोल रहा है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए शायद ये गलत रस्ते से चल रहा, जां इहदे कोल नॉलेज का सही जिहड़ा म्यार है वह नहीं है। इस करके वह बंदा समाइल पास करके अगे चला जाता है। सो विजडम जिहड़े बंदे जिवें संत महापुरख बंदे है ना, उन्होंने चेहरे ते एक नूर कहिंदे रहिंदा सी जो कदे गायब नहीं सी हुंदा, बड़ी आनंद की अवस्था च रहिंदे सी, क्योंकि वह कोई चीज़ नूं जाण चुके सी कि सही की है ते गलत की है। सो विजडम का मतलब है कि एक स्टेट ऑफ बीइंग वाइज, सियाणा बनना। एग्जाम्पल के तौर पर आप वेखिए ना, साढ़े देश नूं आजाद कराउण च जिहड़े मोहरी बाबे बने बैठे सी, उन्होंने लगता सी कि साढ़े कोल नॉलेज है ना, हो भी सकती है भी आह वाला एक्ट असी पास करा दें, ये असी मोहर लवा लीए, ये असी एजिटेशन कर लेने, ये देश आज़ाद हो जाएगा। देश आज़ाद ही थोड़ा करवाया, इन्हें इन्हों ने देश के टुकड़े भी करवाए ने। जिहड़े विजडम वाले बंदे सी वो इस गल्लां बारे सोच रहे सी कि आज़ादी तो बाद देश नूं अच्छे तरीके नाल किवें असी डिवेलप करना, सारिआं नूं नाल लैके किदां चलना। दूजी एग्जाम्पल की गल करा ना, जिदा USA ने हीरोशिमा ते नागासाकी जापान के दो शहरों के बंब सुट्टे, वो तो उन्होंने कोल नॉलेज सी अमरीका वालों कोल, अज भी बथेरी है टेक्नोलॉजी है, उत्थों के साइंसदानों ने परमाणु बंब बना के उन्होंने सरकार के हाथ देते। ये रिसर्च हुण सामने आई है कि वह बंब इदा नहीं सी सुट्टे गए कि लड़ाई बंद करवानी है, लड़ाई कुछ दिन पहला ही बंद हो चुकी सी, लेकिन वह टैसट करने से परमाणु बंब नूं टैसट करिए, पर वो नॉलेज सी लेकिन विजडम की घाट सी कि मनुखता का एडा वड्डा कान असी कर रहे हैं, बड़े दूरगामी सिट्टे दे निकलणगे ते गलत सिट्टे निकलणगे। फिर असी गल करते हैं कि जिहड़ा मार्क ज़करबर्ग है फेसबुक का फाउंडर, कहिंदे उदों स्टूडेंट लाइफ सी ते फेसबुक नूं चले कोई 2-2.5 साल होए, उन्हों बिल गेट्स ने ऑफर दिता सी कि कुछ करोड़ डॉलरस दा कि ये फेसबुक तू यानी कि मैनू दे दे, मैं अक्वायर करना चाहुंदा तेरी ये एप्लीकेशन, पर उस बंदे ने ना कही है। विजडम शायद अगे यानी कि दूर अंदेशी होना भी विजडम का एक हिस्सा मनिया गया। इस करके नॉलेज नूं रिफाइन करते रहिए ताकि विजडम साडा बने। कल्ली नॉलेज दे नाल जेबां भरन दा कोई फायदा नहीं है। तुसी अगर सही समय ते सही गल नहीं कह सके, क्योंकि विजडम इज ऑल अबाउट वैन टू से, नॉलेज इज ऑल अबाउट वट टू से, की कहना है मैनूं पता है क्योंकि मैनूं नॉलेज है, पर कदों कहनी है, जजमेंट कदों करनी है, डिसीजन कदों लेना है, सही समा की है गल कहण दा, इह इक विजडम दा धारनी बंदा ही कर सकदा है। जिहड़े बंदे नूं कल्ला ज्ञान है ना, इक जिवें पहलां कहा कि उह हंकारी हो सकदा, बहुत चांस ने, विजडम वाले बंदे कोल इह चांस बिल्कुल नहीं है। इस करके जिहड़ा नॉलेज वाला सिर्फ बंदा है उह निक्की निक्की गल ते अपने आप नूं साबित करदा रहेगा, मैं आह कीता मैं उह कीता, जो कोई माड़ी मोटी भी उहनूं गल कह दिंदा उह बड़ा उछल कुद के पैंदा है, हालांकि बाहरों दिख तो लगता है कि आपां बड़ा ज्ञानी पुरश है, पर कई बार वो बहुत भद्दियां गालां भी कढ़दा तुहानूं सुनाई दे सकदा, तुहानूं नहीं जिहदे नाल उहदी लड़ाई होएगी,
कई बार आप न्यूज़ पर देखते हैं ना कि दो धड़े आपस च मतलब कि हथियार लड़ रहे हैं और वह भी एक धार्मिक जगह पर, तो ज्ञान तो हैगा उन्होंने चीज़ा पता ने भी आ सही गलत है, लेकिन उसनों जज नहीं कर पा रहे, दूर देश तो नहीं है उन्होंने को वधिया परसपैक्टिव नहीं है। जे गल करिए कि इंपोर्टेंट किहड़ा तो दोनों इंपोर्टेंट ने, दोनों एक नाउन ने जिहड़ा कि लर्निंग के संदर्भ के यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन जेकर आप एक प्रोसैस के अकॉर्डिंग लिखिए तो पहला नॉलेज आएगी फिर विजडम आएगा, पर विजडम तो बिना नॉलेज का कोई काम नहीं, जो नॉलेज नहीं है तो फिर विजडम क्रिएट नहीं हो सकता। इस करके इंपोर्टेंट दोनों ने, लेकिन कोई चिकन एग वाला इतने सनैरियो नहीं है कि मुर्गी पहला या अंडा पहला, इस करके एक प्रोसैस है, इंपोर्टेंट ज़्यादा विजडम बन जाता है क्योंकि विजडम इटसैल्फ इनकलूड्स नॉलेज। इस करके जरूरी है दोस्तों कि तुहानूं जिहड़ी गल का पता है, क्योंकि कहिंदे कि सियाणप उमरां च नहीं हुंदी हैगी कि कोई बंदा उमर का वड्डा है तो सियाणप है, माफ़ करना उम्र के वडेरे भी तुहानूं आले दुआले कई जबलियां मारदे समाई दे सकते हैं, सही समय से सही गल कहण दे विच ही सियाणप है। उम्मीद करदा तुहानूं अज दी वीडियो एजुकेशनल ते थोड़ी इनफॉर्मेटिव लगी होएगी, कृपा करके चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ, बैल आइकन दबा दिओ ताकि इदां दीआं वीडियोज़ फिर तुहाडे तक पहुँच सकन। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा।